हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। अगेन मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक्स लेके आया हूँ जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है। चार्ट की बात करूँ, मुझे चार्ट यहाँ पर अच्छा नज़र आता है, जिससे रिलेटेड हम यहाँ पर लास्ट में बातें करने वाले हैं, एज वेल एज अजमेरा रियलिटी में ऐसा मुझे क्या नज़र आता है कि यहाँ से पैसा आपका बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र आ सकता है। ओके, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो सभी चीज़ों से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और उससे आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो अजमेरा रियलिटी एंड इंफ्रा इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये कंपनी करती ही क्या है। तो देखिए, यहाँ पर अजमेरा रियलिटी एंड द इंफ्रा ARIIL इज इन द बिजनेस ऑफ द प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल एंड द रेंटेड कमर्शियल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज ये बनाते हैं, उसे यहाँ पर बेचते हैं। और कहाँ पर इनका प्रेजेंस ज्यादा है, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद इन इंडिया एज वेल एज इन फॉरेन कंट्री सच एज बहरीन एंड यूके। तो इंडिया में तो काम करती ही करती है और इंडिया में भी पॉपुलर सिटीज में काम करती है, एज वेल एज यहाँ पर बहरीन और यूके जैसी अलग अलग कंट्रीज में भी ये काम करती हुई नजर आती है। मुंबई यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंबई में इनका काफी सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग नाम से। अहमदाबाद में भी इनके प्रोजेक्ट चलते हुए नजर आते हैं और अजमेर सॉरी इंटरनेशनल की बात करूँ तो इंटरनेशनल में भी इनके अलग अलग नाम से, ये जितने भी नाम आपने देखे जैसे क्रॉसवेज, एवोस क्लोज, तो ये सारे के सारे इन्हीं के द्वारा ये किए जाते हैं। बहरीन में गोल्डन गेट के नाम से इनके प्रोजेक्ट चलते हैं। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मुंबई की बात करें तो मुंबई में अच्छा खासा इनका प्रेजेंस है लैंड का। और बात करें बड़ी बड़ी जगह पर जैसे कि वडाला, ओके, यहाँ पर इनके अच्छे खासे यहाँ पर 3 High Rise Tower है जिन इन इस नाम से, एज वेल एज यहाँ पर बात करें BKC, यहाँ पर भी इनके थाने में एंड साउथ मुंबई में इनके अच्छे खासी प्रेजेंस रखते हैं। इसके अलावा अजमेरा ग्रीन ग्रीनफिनिटी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द अजमेरा आईलैंड। ओके, यहाँ पर भी ये अच्छे यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाते हैं। 14 Story यहाँ पर बात करें कमर्शियल टावर्स भी यहाँ पर इन्होंने बना रखे हैं, वो भी घाट के ऊपर में मीडियम साइज ऑफिसेज हैं। तो अच्छे खासे यहाँ पर इनके रेवेन्यू आते हैं, मुंबई से ज्यादा आते हैं, बैंगलोर से फिर अहमदाबाद से। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी की तरफ आपको क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएगी। तो ये सारे के सारे इनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर दे रखा है, एज वेल एज इनकी सब्सिडरीज से रिलेटेड यहाँ पर आपको पता चल जाएगी। ओके, यहाँ पर रिसेंट वर्क जो इनका चल रहा है वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो एक बार जाके देख लीजिए किस तरीके से ये कंपनी काम करती है, कहाँ कहाँ पर इनके प्रोजेक्ट है, वो सब चीज आपको यहाँ पर पता चलती हुई नजर आएगी। तब अब आते हैं हम मेन चीज पे। मेन चीज क्या है, मेन चीज है फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स कैसे है कंपनी के वो देख लेते हैं। देखिए, शेयर केवल 288 रुपए का है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें, 1000 करोड़ रुपीज की मार्केट कैप है, तो एक छोटी सी स्मॉल कैप या माइक्रो कैप आप कह सकते हैं यहाँ पर ये शेयर है। और मैं हमेशा ही स्मॉल कैप या मिड कैप शेयर ही आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, और मोस्टली आजकल तो मैं आपके सामने स्मॉल कैप या माइक्रो कैप ही प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल मुझे ज्यादा नजर आता है। एज वेल एज यहाँ पर कल के दिन मैं वीडियोज बनाई थी तो यहाँ पर JKIL, यहाँ पर भी मैंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पर बातें करी थी। आज मैं अजमेरा रियलिटी से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ। डेट की बात करें, 1.919% का डेट है, और डेट के पीछे की वजह क्या है वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे आर आउटस्टैंडिंग डेट ऑन द क्वार्टर, तो आउटस्टैंडिंग डेट कितना है यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार, तो लगभग 891 करोड़ रुपए के आसपास का इनके पास डेट है। तो वो किस वजह से है, इंक्रीज इन डेट इज ड्यू टू वन डील फॉर द घाटकोपर प्रोजेक्ट विच वी हैव क्लोज आउट इन द पर्टिकुलर क्वार्टर। तो इस क्वार्टर में इन्होंने घाटकोपर प्रोजेक्ट में एक डील क्रैक करी है। ओके, जो कि यहाँ पर अगर हम बात करें एंड विच आर वी आर वेरी कॉन्फिडेंट टू ब्रिंग द लॉन्च, तो ये बहुत जल्दी इसे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले हैं। तो उसी चीज से रिलेटेड यहाँ पर बता रखा है कि इनका जो डेट बढ़ता हुआ नजर आया वो किस वजह से यहाँ पर बढ़ा है। तो यहाँ पर हम देखें ये सब चीज दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे रिजर्व्स, तो कंपनी के पास 712 करोड़ के इसके अगेंस्ट में रिजर्व्स पड़े हुए। और कंपनी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पर कैश की बात करें, ओके, तो कंपनी के पास अच्छा खासा 51 करोड़ रुपए के आसपास का कैश भी और 65 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर कर रखा है। यहाँ पर और चीजें देखेंगे, प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो प्रमोटर्स ने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 0.01% की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आए। FIs के पास थोड़े से ना के बराबर है, DIs भी यहाँ पर नहीं है। पर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 30% के शेयर है, और 30 में भी बड़े बड़े यहाँ पर नाम आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर इसे कैलकुलेट करेंगे तो लगभग लगभग 20% की हिस्सेदारी आपको रिटेल इन्वेस्टर्स के पास दिखाई देती है, और उसमें भी बड़े बड़े लोग यहाँ पर शामिल होंगे डेफिनेटली। अब इस शेयर के पीछे बताने का रीजन क्या है, ये शेयर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा,
इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। एक कोर्स लॉन्च किया है, आपने हमारी देखा है वीडियोस को तो आपको पता होगा कि हम जो भी शेयर से रिलेटेड बातें करते हैं मोस्टली यहाँ पर अच्छे खासे हमें यहाँ पर रिटर्न देते हुए नजर आते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है, क्या रीजन है? तो इस कोर्स हमने ये लॉन्च किया है जो कि बेस्ट इन द मार्केट है, ओके, चीपेस्ट एंड द बेस्ट। अगर हम बात करें टेक्निकल एनालिसिस, रिसर्च और फंडामेंटल, तीन चीजें जिसने सीख ली ना तो वो कभी भी ऊपर के लेवल पर फंसेगा, ओके, और जब भी यहाँ पर खरीदेगा तो यहाँ पर पैसे डेफिनेटली बनते हुए नजर आएंगे। इसके पीछे की वजह क्या है वो यहाँ पर मैं ऑलरेडी वीडियोज में तो बताता ही बताता हूँ, बट और डीपली जानने के लिए इन कोर्स को यहाँ पर आप ले लीजिए, ओके, और इस कोर्स को यहाँ पर 1-to-1 कर लीजिए, 1-to-1 क्लासेस, ओके, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की क्लासेस होती है, ओके, अलग अलग लोग अलग अलग बैचेस भी चलाते हैं, बट उसमें क्या होता है घिचपिच होती है, 50-60 बच्चे होते हैं, ओके, ना क्वेश्चंस ना कोई आंसर्स, और जब तक क्वेश्चन आंसर्स आप पूछोगे नहीं, जब तक आपको वाई का आंसर नहीं मिलेगा कि ये क्यों हो रहा है, तो आपका यहाँ पर पढ़ना कोई फायदेमंद वाली बात नहीं है। प्लस में 3 months की प्रैक्टिकल लर्निंग, 8860540501, 8169261037, कॉन्टैक्ट कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस और ये कोर्स से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहे। और भी कोई इशू तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी डिफरेंट सर्विसेज के लिए, डिस्क्रिप्शन में आपको चीजें मिल जाएगी। तो शेयर को बताने के पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पर देखिए कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही थी, फिर एकदम डाउन होती ही नजर आई, बट अभी जो परफॉर्मेंस यहाँ पर कंपनी का आता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए 185 करोड़ रुपीस की सेल्स है जो कि क्वार्टरली और एनुअली काफी अच्छी यहाँ पर जंप दिखाई गई है। सेल्स में आप बात करेंगे तो लगभग 88% की यहाँ पर जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 56 करोड़ रुपीस का है जो कि हाईएस्ट एवर है पिछले 12 क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पर 34 करोड़ रुपीस का है जो कि हाईएस्ट एवर है पिछले 12 क्वार्टर में। एज वेल एज अगर हम यहाँ पर बात करें मार्जिन की तो कंपनी लगातार 30-30% के मार्जिन दे रही है जो कि क्वार्टरली बेसिस पे भी अच्छा है क्वार्टर पे भी अच्छा फ्लैट है बट ईयरली बेसिस पे भी अच्छा है। और अच्छा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंपनी के नंबर अच्छे खासे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ये चीजें क्या है समझनी पड़ेगी और आने वाले अपकमिंग इनके रिजल्ट काफी बेहतरीन है। यहाँ पर देखे सेल्स तो कंपनी की सेल्स लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है, ओके, कंपनी का प्रॉफिट यहाँ लगातार बढ़ता हुआ आता हुआ नजर आ रहा है, ओके, तो यहाँ पर चीजें अच्छी नजर आती हुई दिखाई दे रही है। एज वेल एज यहाँ पर जाइएगा आप नीचे डॉक्यूमेंट्स में तो ये ट्रांसक्रिप्ट और पीपीटी पढ़ लीजिएगा तो आपको कुछ आइडिया लगेगा। तो 2023 अभी 2022 चल रहा है, 2023 बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो 23 और 24 मतलब 2 साल के अंदर अंदर कंपनी का प्लान है कि इनकी जो रेवेन्यू है लगभग 4,000 करोड़ रुपीज के आसपास का यहाँ पर इनका रेवेन्यू पोटेंशियल आता हुआ दिखाई देगा। तो अभी क्या पोटेंशियल चल रहा है, अभी 400, ओके, और जब 2 साल के अंदर अंदर अगर ये बात कर रहे हैं 4,000 करोड़ रुपए के आसपास की, तो शेयर भी उस तरीके से नहीं रहने वाला और प्रॉफिट भी यहाँ पर नहीं रहने वाला। तो यहाँ पर देखिए इनकी जो अच्छी खासी यहाँ पर प्रोजेक्ट चालू है, ओके, अलग अलग प्लेसेस पे यहाँ पर प्रोजेक्ट चालू है, ओके, मुंबई पुणे यहाँ पर ज्यादा इनके प्रोजेक्ट यहाँ पर चलते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको ये चीजें समझनी होगी और जिस तरीके से घर लेने की होड़ चल रही है, ओके, वहां पर आपको ये शेयर जो छोटे छोटे शेयर है जहाँ पर आपको पोटेंशियल नजर आता है वो शेयर यहाँ पर भागते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इस चार्ट से रिलेटेड कि चार्ट में क्या नजर आता है। चार्ट ने हाई बनाया, हाई बनाने के अलावा 57% तक ये शेयर गिरता हुआ नजर आया। अब दोबारा ये शेयर यहाँ पर से काफी बेहतरीन होता हुआ नजर आ रहा है और वो कैसे होता हुआ नजर आ रहा है उससे रिलेटेड हम क्या करने वाले बात है। तो यहाँ पर देखिए एक लो इसने बनाया, ओके, लो बनाने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड पे है और कंसोलिडेशन मोड के बाद अभी ये शेयर यहाँ पर भागने की तैयारी कर रहा है, ओके, और यहाँ पर जिस तरीके के यहाँ पर पैटर्न्स बनते हुए नजर आ रहे हैं वो पैटर्न्स यहाँ पर बता रहे हैं कि शेयर में कभी भी एक अच्छी खासी तेजी होती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, एज वेल एज वीसीपी पैटर्न भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, मतलब वॉल्यूम कॉन्ट्रास्ट पैटर्न एक होता है, ओके, तो इसे भी आप यहाँ पर देखोगे जैसे ही ये पर्टिकुलर लेवल से क्रॉस होगा, इस लेवल को सक्सेसफुली यहाँ पर क्रॉस करेगा जो मुझे लगता है 2-4 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर क्रॉस करने वाला है, कभी भी यहाँ पर एक ऐसा वॉल्यूम आपको दिखाई देगा जो शेयर को यहाँ पर ऊंचाई पर लेके जाएगा, तो इस शेयर की तरफ ध्यान रखना है, कभी भी भागेगा और आपको एक अच्छे खासे रिटर्न देता हुआ नजर आता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे ही भागे एंट्री करना है, ओके, और अच्छे खासे पैसे आपके बनते हुए नजर आएंगे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर हमारी है नहीं, बट एक स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें, ओके, 262 रुपए मतलब 20-22 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस और ऊपर अच्छे खासे। सबसे पहले टारगेट की बात करूं तो यहाँ से जैसे ही निकलेगा, ओके, 38% के ये रिटर्न है, ओके, यहाँ से निकलती साथ
71% के ये रिटर्न है। और कभी ये शेयर यहाँ पर हाई पे हुआ करता था, अभी तो यहाँ पर डेटा दे नहीं रखा है। एक मैं यहाँ पर देख लेता हूँ बीएससी में है कि नहीं। हाँ देखिए बीएससी में ये शेयर है। ओके ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 490 रुपए के यहाँ पर टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक भी चला गया, तो अच्छे खासे पैसे तो हमारे यहाँ पर बनते हुए नजर आ ही रहे। तो आपको क्या करना है, आपको अजमेरा रियलिटी पर्टिकुलर शेयर की तरफ नजरें बना के रखनी है। ये शेयर यहाँ से बहुत जल्दी मूव देने वाला है, हर चीज में ये मुझे अच्छा नजर आता है। ओके मैं इसने शेयर को अभी लिया नहीं है, बट मैं आई एम थिंकिंग अबाउट इट, और मैं कभी भी इसमें ऑन बोर्ड हो सकता हूँ। तो ये काफी अच्छा शेयर है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर कुछ भी आप करिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके आप ये सारी की सारी सर्विसेज हमसे ले सकते हैं। हमारे कोर्स को ज्वाइन करके ऐसे शेयर पे नजरें बना के कि किस तरीके से किस शेयर में फंडामेंटल लगा के पैसे, टेक्निकल लगा के पैसे बनेंगे, वो चीजें आपको यहाँ पर समझ में आएगी। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।